मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेन संख्या 12071 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि गाड़ी की चलने की टाइमिंग क्या है, गाड़ी कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है और किस ट्रेन में आप टिकट लेते हैं तो कितना किराया लगेगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। दोस्तों एक हमारे व्यूअर थे और उन्होंने कॉमेंट्स किया था ट्रेन संख्या 12071 की वीडियो कवर करने के लिए। अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। दोस्तों इस ट्रेन की डिटेल्स की हम बात करें तो ट्रेन संख्या 12071 जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है और ये ट्रेन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जालना के लिए चलाई जाती है। ये ट्रेन दोस्तों अपने रूट की एक एवरेज ट्रेन है और ये ट्रेन सप्ताह में पूरे दिन चलती है। आप जिस दिन चाहें इस ट्रेन का टिकट ले सकते हैं, सफर कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन दिन में 12:10 पे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना होती है और अपने सफर को तय करते हुए ये गाड़ी शाम को 7:45 पे जालना आपको छोड़ती है। अपने सफर के दौरान ये गाड़ी दोस्तों 335 किलोमीटर की दूरी तय करती है 7:35 में। टोटल 8 स्टेशनों पर ठहराव लेती है और इस ट्रेन का बहुत लंबा स्टॉप नहीं दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेन 5 का ठहराव लेती है। टोटल 8 स्टेशनों पर ये गाड़ी ठहराव लेती है जिसमें मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और जालना इंक्लूड है। दोस्तों इस ट्रेन को जो इंजन ऑपरेट करता है वो WAP4 होता है और इस ट्रेन में जो कोच की सुविधा दी जाती है वो LBH कोच की सुविधा दी जाती है। इस ट्रेन में पेंटी कार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन कैटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी में कोटा की बात करें तो सभी प्रकार के कोटा उपलब्ध हैं। कोच की बात करें तो टोटल 22 कोच दिए जाते हैं जिसमें आपको 2 और AC चेयर कार की सुविधा दी जाती है। किराया की हम बात करें तो आप 2 में टिकट लेते हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जालना तक तो ₹200 का आपको किराया देना होगा 2 में और AC चेयर कार में ₹670 का किराया लगेगा। इस गाड़ी के दोस्तों जो 8 स्टॉप दिए गए हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी मैं आपको टाइम के साथ में दूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स को। तो दोस्तों ये ट्रेन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अपने निर्धारित समय दिन में 12:10 पर रवाना होती है और यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का 2 स्टॉप दिया जाता है दादर। गाड़ी 12:23 पर पहुँचती है, यहाँ पर ये ट्रेन 2 के लिए केवल ठहराव लेती है और फिर अपने सफर के लिए रवाना होती है तो पहुँचती है थाने। थाने में गाड़ी 12:43 पर पहुंचती है, यहाँ पे भी ये गाड़ी 2 के लिए ठहराव लेती है और फिर अपने सफर के लिए रवाना होती है तो पहुंचती है कल्याण। 1:07 पर पहुंचती है, यहाँ पे ये गाड़ी 3 के लिए ठहराव लेती है और इन 4 स्टेशनों के बीच में ये गाड़ी 54 की दूरी तय करती है। यहाँ पे ये ट्रेन कुछ ट्रेनों को क्रॉसिंग देती है और फिर अपने सफर के लिए रवाना होती है तो पहुँचती है नासिक। नासिक में गाड़ी दिन में 3:35 पर पहुंचती है, यहाँ पे ये ट्रेन 5 के लिए ठहराव लेती है और 188 की दूरी यहाँ तक ये गाड़ी तय करती है। यहाँ पे भी ये गाड़ी कुछ ट्रेनों को क्रॉसिंग देने के बाद अपने सफर के लिए रवाना होती है और ये ट्रेन यहाँ से तकरीबन 1 की रनिंग करती है और पहुँच जाती है मनमाड़। मनमाड़ में गाड़ी की टाइमिंग होती है शाम को 4:45 और यहाँ पे ये गाड़ी 5 के लिए ठहराव लेती है। यहाँ पे ये ट्रेन कुछ ट्रेनों को क्रॉसिंग देने के बाद अपने सफर के लिए रवाना होती है। तकरीबन ये गाड़ी 2 की रनिंग करती है और पहुँचती है औरंगाबाद। गाड़ी की टाइमिंग होती है शाम को 6:25, यहाँ पे ये ट्रेन 5 के लिए ठहराव लेती है और 372 की दूरी यहाँ तक ये गाड़ी तय करती है। इसके बाद ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप आने वाला होता है दोस्तों जालना और गाड़ी तकरीबन 3 की रनिंग करती है, पहुंचती है जालना। जालना में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है शाम को 7:45। दोस्तों यहां तक ये ट्रेन फाइनली 435 किलोमीटर की दूरी 7:35 में तय करती है। 8 स्टेशनों पर ठहराव लेती है और जिस तरह हमने आपको ट्रेन संख्या 12071 जन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दिया है, अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।